स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और नए वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं जो ओपन बुक माध्यम से कराए जाने हैं, जिसका टाइम टेबल यहाँ पे आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे कि किस डेट में आपका पेपर है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom, BBA, BLev आदि के जो एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे ओपन बुक माध्यम से कराए जाने हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर का जो टाइम टेबल है यहाँ पे प्रकाशित कर दिया गया है, एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत रेगुलर एवं प्राइवेट स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं UG फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 का जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश 23/6/2021 को जानकारी प्रकाशित की गई है, जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का जो यहाँ पे टाइम टेबल है वो यहाँ पे आ चुका है, जिसमें नियमित प्राइवेट पूरक द्वितीय अवसर वार्षिक परीक्षा ओपन बुक माध्यम से कराई जानी है, जिसके समस्त क्वेश्चन पेपर आप 11 बजे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम डेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम दिया हुआ है, यानी BA फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की रेगुलर एवं प्राइवेट स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, BA फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 20/7/2021 तक जो है आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BSc फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, 20/7/2021 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BHSc फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 20/7/2021 को अपना उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BLev साइंस, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 20/7/2021 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं BCom फर्स्ट ईयर प्लान, तो यहाँ पे जो है 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और 20/7/2021 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BCom हॉनर्स फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 20/7/2021 को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे BBA फर्स्ट ईयर और BSW फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो भी 14/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 20/7/2021 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष की। तो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं, स्नातक द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं, जिसमें नियमित भूतपूर्व और प्राइवेट छात्र हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे परीक्षा ओपन बुक माध्यम से कराई जानी है, जिसके समस्त क्वेश्चन 11 बजे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे BA सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम डेट है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की जो डेट है वो यहाँ पे 13/7/2021 दी गई है। तो 13/7/2021 को जो है अपने उत्तर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 19/7/2021 तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BSc सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो भी 13/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 19/7/2021 को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BHSc सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो 13/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 19/7/2021 तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BCom सेकेंड ईयर 13/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, 19/7/2021 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। इसके बाद BBA सेकेंड ईयर और BSW सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो 13/7/2021 को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और 19/7/2021 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनके क्वेश्चन पेपर 14/7/2021 को डाउनलोड हो पाएंगे और जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो 13/7/2021 को अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और उनकी उत्तर पुस्तिका जमा करने की डेट भी यहाँ पर दी गई है। सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो 19/7 तक अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे और फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो 20/7/2021 तक अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। अब आपको उत्तर पुस्तिका किस नज़दीकी संग्रहण केंद्र में जमा करनी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी यहाँ पे दी जाएगी, वेबसाइट पर दी जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। और इसके साथ साथ जो इसकी आगे आने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आपका कोई और क्वेश्चन है
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न पत्र आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है इसके भी लिए भी हम आपको वीडियो देंगे, और उत्तर पुस्तिका में जो मुख्य प्रश्न आपको लगाना है और क्या आपको उत्तर पुस्तिका में क्या क्या जो है आपको सावधानियां रखनी है वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।